हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपका दोस्त। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एडवांस एक्सेल एरे फार्मूला की सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें आप एक्सेल एरे फार्मूला के मास्टर बन जाओगे। तो एरे होता क्या है? एरे क्या करता है? मल्टीपल स्टेप को सिंगल स्टेप में करके देता है। तो एरे के कुछ रूल्स होते हैं। सी एस ई क्या होता है? जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और आप एरे को चेंज करना चाहोगे ना, सपोज डेट आपने मल्टीपल रोज में एरे लिया, यानी कि row 1 2 3 और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा है, यानी कि तीनों में आ गया। अब आप किसी एक सिंगल रो को डिलीट करना चाहोगे तो डिलीट नहीं होगा। आप चाहोगे कोई एक ब्लैंक सेल उसके अंदर इंसर्ट हो जाए तो वो नहीं होगा, ना डिलीट होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं एरे के। तो सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं बेसिक से जा रहा हूँ ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो, पॉइंट टू पॉइंट। जैसा कि मैंने यहाँ पे column 1 column 2 है, एंड का यूज करा है। ये एंड क्या है, ये एस्ट्री क्या है? एरे में हम एस्ट्री यूज करते हैं, एंड एंड फंक्शन यूज नहीं करते हैं, बट ट्रीट एस्ट्री के एंड की तरह ही होता है, और को प्लस साइन से करते हैं। तो देखते हैं, अब आप देख रहे हो ट्रू ट्रू ट्रू। अब हम जब एंड का फंक्शन यूज करते हैं और दिस कॉलम करते तो क्या होता है? ट्रू आता है। ये ट्रू और फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स और ट्रू क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा, और फॉल्स फॉल्स है। क्या आपको पता है ट्रू के लिए हम 1 यूज करते हैं, फॉल्स के लिए हम 0 यूज करते हैं? नहीं पता, आइए देखते हैं। इक्वल टू माइनस माइनस। अब आप ये कहोगे ये माइनस माइनस क्यों है? फर्स्ट माइनस का मतलब होता है 1, सेकंड माइनस का मतलब होता है 2। अब मैंने जैसे ये ट्रू को करूंगा ना और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज मैं इसको करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी पहले मैं क्या करूंगा, माइनस माइनस ऐड करूंगा, माइनस माइनस कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये ट्रू ट्रू है, तो यानी कि 1 1 दे दिया। अब मैं ड्रैग कर देता हूँ तो देखो जहां फॉल्स होगा वहां 0 आ गया। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है? इक्वल टू माइनस माइनस एंड। अब मैं चाहूंगा दिस एंड दिस, तो ये क्या करेगा? कंट्रोल शिफ्ट एंटर 1 करेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा। अब मैं मान लो यहाँ पे 1 1 कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 1 कर देता, तो यहाँ 1 1 आ गया। देखो यहाँ तो मैंने चेंज कर दिया तो चेंज हो गया। अब इससे पहले वीडियो में कहा था कि मैंने चेंज नहीं, क्योंकि मैंने रो बाई रो करा था ना। अब मैं एक्चुअली मैं करता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक साथ। मान लो मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज करा इक्वल टू करके, सपोज लार्ज फंक्शन यूज करा, ठीक है, मैंने कर दिया कोई रेंज, मान लो ये रेंज है, ठीक है, कॉमा कर्ली ब्रैकेट 1 सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 3 और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दूंगा, ठीक है। अभी तो नम एरर आएगा। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा तो डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पे इंसर्ट रो करना चाहूंगा, इंसर्ट रो नहीं होगा, इंसर्ट रो नहीं होगा, देखो नहीं हो रहा। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक साथ करा और यहाँ पे मैंने एक साथ नहीं करा, इसलिए इजिली मैंने डिलीट कर दिया और इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे भी हम सेम कर सकते हैं बट एक साथ करना पड़ेगा, यानी कि इसको करूंगा ना डिलीट तो डिलीट हो जाएगा, एक साथ करना पड़ेगा। अब column 1 column 2, अब इसका ट्रीट हम इसमें कैसे करते हैं? एस्ट्रिक में ये सेम ही हो जाएगा एस्ट्रिक के लिए भी। क्यों? क्योंकि हम एंड की जगह क्या यूज करेंगे? एस्ट्रिक यूज करेंगे। सिमिलर हम और फंक्शन का भी यूज करते हैं, इक्वल टू और दिस इक्वल टू दिस कॉमा दिस, तो क्या होगा? ट्रू। ट्रू और फॉल्स क्या होता है? हमें हमेशा और वाले में ट्रू ही होगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू ही होगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स से आएगा। सेम एज इट इज हम करेंगे माइनस माइनस। क्यों माइनस में? फर्स्ट माइनस का मतलब 1, सेकंड माइनस का मतलब तो 0, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स आएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम यहाँ पे एज इट इज कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? ड्रैग कर देंगे, ठीक है। और के केस में भी माइनस माइनस करेंगे और दिस कॉमा दिस कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। और हम क्या नाम है, एरे में हम क्या यूज करते हैं? प्लस का साइन करते हैं, तो सिमिलर इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब आपको पता होगा नॉट क्या करता है? अपोजिट दिखाता है, यानी कि ट्रू है तो यहाँ क्या आएगा? नॉट यूज करूंगा तो फॉल्स आएगा, और यहाँ फॉल्स है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। सेम एज इट इज इस ट्रू का क्या होता है हमारा, मान लो मैंने इसका करा और यहाँ पे मैंने माइनस माइनस कर दिया तो क्या आएगा? 1, इसका 0, और इक्वल टू माइनस माइनस नॉट करा तो अपोजिट आएगा।
सॉरी इसका करना है ना हमें नॉट माइनस माइनस नॉट, ठीक है दिस कंट्रोल शिफ्ट एंटर जीरो जीरो। देखो ये था क्या ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स और यहाँ फॉल्स की जगह वन। अब हम चलते हैं रियल एग्जांपल पे, यानी कि एरे वन डायमेंशन टू डायमेंशन। यार एरे में भी वन डायमेंशन टू डायमेंशन होता है? हाँ होता है इसमें भी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको मैंने सेव कर दी, ये सारी फाइलें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसमें डाउनलोड करके आपके लिए असाइनमेंट भी बनाऊंगा मैं। अब इनिशियल वार्म अप पे जाते हैं। एरे डायमेंशन, सिर्फ पहले मैं आपको फर्स्ट डायमेंशन के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट डायमेंशन क्या है? अब लेट सपोज दैट मुझे 1 2 3 पॉपुलेट कराना है, बट यहाँ कराना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3। सेमीकोलन क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे रो में करना है, मुझे कॉलम में करना होता तो क्या यूज करना होता, सिर्फ कॉमा। ठीक है, अब मैंने कितने रो सेलेक्ट करे, अब लेट सपोज मैं 4 कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं डेटा 3 का ही डालता हूँ, तो देखो क्या एरर आता है, हैश एन आएगा, क्या आएगा देखो, हैश एन हमेशा हैश एन आता है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे एक और ऐड कर दूंगा सेमीकोलन 4, क्योंकि तो हमने सेलेक्ट कहाँ तक करा था, 4 तक करा था, 4 हो गया। अब मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, यानी कि सर ये वर्टिकल था, अब मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब आप देखोगे यहाँ पे यही आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा सेलेक्ट करूंगा 4 कॉलम, करूंगा कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 और कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 1 2 3 4 आ गया। ये तो हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब लेट सपोज दैट मुझे क्या करना है, 1 2 3 और फिर मुझे रो में भी करना है, तो यहाँ से 4 होना चाहिए, यहाँ से 5 होना चाहिए, यहाँ से 6 होना चाहिए। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो हमने रो के लिए क्या करा था, कॉलम के लिए क्या करा था, कॉमा, रो के लिए क्या करा था, सेमी कॉलम। तो देखो कैसे आता है, मैंने कर लिया यहाँ, ये यहाँ तक सेलेक्ट 3 और 3, यहाँ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3। ठीक है, अब क्या, अब तो नीचे जाना है, अब हम क्या करेंगे सेमी कॉलम यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर यूज करेंगे 4, फिर अब तो हमें रो में कॉलम में ही जाना है ना, तो कॉलम के लिए 5, 5, 6 और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा टू डायमेंशन। अब एरे में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग भी कर सकते हैं। अब एरे का ट्रांसपोजिंग, अब मान लो ये मेरा डेटा, देखो ये मेरा है कॉलम में, ये रो में, अब मुझे ये क्या चाहिए, ये हेडर कॉलम में चाहिए और ये रो में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कितने रो है कितने कॉलम है, हमें कितने कॉलम बनाए, 3 कॉलम, तो 3 सेलेक्ट कर लूंगा। मैं ज्यादा सेलेक्ट कर लूंगा क्या आएगा, हैश एन आएगा, तो क्या करेंगे एग्जैक्टली करेंगे। ठीक है, मान लो अभी मुझे नहीं पता कहाँ है लास्ट, इक्वल टू क्या करूंगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज और ये सेलेक्ट कर दूंगा पूरा एरिया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा और देखो यहां तक डेटा नहीं था इसलिए हैश एन आया, तो मैं क्या करूंगा डिलीट करूंगा, फिर करूंगा ऊपर ट्रांसपोज, यहां करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये हो गया मेरा ट्रांसपोज। अब इसके एज इट इज मैं क्या करूंगा फॉर्मेटिंग कर दूंगा, जैसा ऊपर फॉर्मेटिंग है यहाँ पे भी मैं सेम फॉर्मेटिंग कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। एक्सेल से भी आप, पेज स्पेशल से भी आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कॉपी करा ऑल्ट ES कर दो, या तो पेज स्पेशल में जाओ, यहाँ से पेज स्पेशल और यहाँ से कर दो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज और मुझे वैल्यू करना है तो वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मेट वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट दोनों चाहिए, तो मैं दोनों भी कर सकता हूँ। देखो तो यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट दोनों आ गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम नेम मैनेजर को एरे में कैसे यूज कर सकते हैं? अब मैं एक नेम का कुछ बनाऊंगा, जिसमें मान लो सपोज दैट मेरा नाम संजीव है, फिर यहाँ पे कृष्णा डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे राहुल डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसा करके कि मैं जैसे ही कुछ इक्वल टू NM करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा, तो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाना चाहिए नेम। तो ऐसा कैसे होगा, वो नेम मैनेजर के थ्रू होगा। तो नेम मैनेजर कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला में, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि नेम मैनेजर कैसे बनाते हैं, तो अभी हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। हम नेम मैनेजर यहाँ से करेंगे क्रिएट, इसका शॉर्टकट है F3। ठीक
ठीक है, करेंगे ऐप न्यू, न्यू में मान लो नेम ले लेते हैं, ठीक है, पुराने डेटा को मैं करूंगा डिलीट, एक्चुअली ये पुराना डेटा नहीं है, ये मैंने इक्वल कर रखा था ना इसलिए। अब मुझे नेम करना है, कर्ली ब्रैकेट करूंगा, क्या करूंगा डबल कोट्स, क्योंकि टैक्स सही है हमारा, डबल कोट्स है टैक्स है, तो डबल कोट्स में एंटर करें, मान लो मैंने संजीव कर दिया, फिर कॉमा, कॉमा करूंगा यानी कि कॉलम में जाएगा, बट अब मुझे चाहिए नहीं यार सेमी कॉलन करूंगा तो मुझे रो में चाहिए, ठीक है रो में करते हैं, ठीक है मनजीत, फिर कॉमा, फिर कर देता हूँ और कर्ली ब्रैकेट बंद करके ओके कर दूंगा, अब क्लोज कर दूंगा। अब मुझे पॉपुलेट कराना है नेम, ठीक है नेम पॉपुलेट करते इक्वल टू एनम और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो देखोगे तो संजीव मंजी जो हमने वहां पे पॉपुलेट करवाया वहां पे हो गया। अब मैं लेट्स सपोज मैं चार करता हूँ, इतने कर दो, इतने नाम थे मेरे पे, तो जाहिर सी बात है क्या है एरर ही आएगा, तो देखो हैश नहीं आ रहा है, एरर आया क्योंकि इसमें तो हमने नाम पॉपुलेट नहीं करा था, सेम रूल चलेगा यहाँ पर भी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हम एरे से बिना इफ फॉर्मूले के ये कंडीशन लगा सकते हैं जो हम इफ से यूज करते हैं, इफ करके इफ दिस ग्रेटर देन 100 हो तो 0.5% आए, लेस देन 100 हो तो 5000 आए, ये 5% आए, 8000 से अबव हो तो 10% आए, तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्या तो इस तरह का कोई टेबल डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यार इतना टेबल कौन डिजाइन कर, जल्दी जल्दी किससे करेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ, क्या करूंगा मैं पहले पहले क्या पूछा, ग्रेटर देन 10,000, तो मैं यहाँ पे 10,000, अब मैं वन करूँ क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, अब मैं सिर्फ ग्रेटर देन होता तो मैं वन करता, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 1000 ही करेंगे, और यहाँ क्या कर देंगे एज इट इज, यहां से मैं सारी चीजें ले ले, उसके बाद 5000 है, उसके बाद 8000 है, उसके बाद 10,000, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो परसेंटेज था वो मैं यहाँ पे पॉपुलेट करा दूंगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये पहला क्या है मैंने 1000 ले लिया, ठीक है, उसके बाद मुझे कॉलम में जाना है तो मैं कॉमा करूंगा, फिर 0.5 करूंगा ना समथिंग कुछ ऐसा, तो बट मुझे ऐसा नहीं करना, मैं क्या करूंगा इक्वल टू और इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा और प्रेस करूंगा F9, F9 जैसे प्रेस करा देखो वही है जो मैं यूज करने वाला था, 1000 कॉमा करके, क्यों इसे कॉलम में है, फिर नीचे आने के लिए क्या यूज करा इन्होंने सेमी कॉलन फिर कॉमा, तो मैं करूंगा इसको कॉपी, कॉपी कर लिया, अब मैं यहां सिंपली क्या करूंगा इक्वल टू VLOOKUP, VLOOKUP से आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 115 है, तो यानी कि एग्जैक्ट मैच तो होगा नहीं, अब मैं यहाँ पे 1000 होता, 5000 होता, 8000 होता तो एग्जैक्ट मैच होता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज नहीं करें, हम अप्रोक्सीमेट यूज करेंगे, तो VLOOKUP लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी और टेबल एरे जो हमने कॉपी करा था, कॉमा ये जो टेबल था ये दूसरे दूसरे कॉलम में था, ये कॉलम मत करना कभी चेक, ए बी सी कॉलम हमेशा चेक कौन सा होता है जहां पे डेटा, जहां से टेबल रेंज हो, ये मेरा टेबल रेंज है तो ये कॉलम फर्स्ट कॉलम टू, कॉलम टू किया और अप्रोक्सीमेट करना है तो या तो वन कर दो या तो ट्रू कर दो, ठीक है एंटर कर दिया, ठीक है। इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्यों नहीं करा मैंने, क्योंकि जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने तो पहले एरर बना दिया, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोल डाउन, तो देखोगे तो सब एज इट इज, 5000 से ऊपर है तो 5% आया। अब लेट सपोज यहाँ पे मैंने 0 करा, क्या तो क्या आना चाहिए, हैश एन ए, आप कहोगे यार हैश एन ए तो VLOOKUP में ही आता है, हैश एन ए एरे में क्यों आएगा, इसमें भी आएगा, क्यों, क्योंकि हमने 0 के लिए तो कोई कंडीशन लिखी नहीं ना। अब मान लो 0 के लिए कंडीशन लिखता हूँ मैं, 0 हो तो क्या होगा, 0% होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इक्वल टू ऊपर से ले लूंगा डेटा और कर दूंगा F9, दोबारा करूंगा कॉपी और यहाँ पे जाके चेंज कर दूंगा ये जो मैंने करा है, अब कंट्रोल बी और कर दूंगा कंट्रोल डाउन, तो देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0% है, कल के दिन यहाँ पे 1000 बढ़ गया तो यहाँ 5% का 0.5% का बोनस मिल गया। अब एक और बताता हूँ, अब मुझे देखो यहाँ पे क्वार्टर चाहिए, अब मुझे यहाँ पे क्वार्टर चाहिए, तो क्वार्टर के लिए यार
अब फिर से क्या करेंगे, फिर से मैं 0.1 करूंगा। यहाँ पे मैंने क्यों करा था, क्यों? क्योंकि ऊपर देखोगे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो यानी कि इसको या तो आप टेक्स्ट टू कॉलम से इसको हटा देते या तो वैसे करते, तो ओरिजिनल में हम क्यों करें, हम तो खुद का डेटा बनाएंगे। तो इक्वल टू मैं क्या करूंगा, ये तो हमारा टेबल एज इट इज बना हुआ है पहले से ही। अब क्या करूंगा, F9 कंट्रोल सी, ठीक है। अब क्या करूंगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू ये कैसी होगी, इसको हमें करना पड़ेगा मंथ में कन्वर्ट, मंथ, क्योंकि तो हमें यहाँ पे देखोगे तो मंथ ही है, ठीक है, मंथ कॉमा, टेबल एरे हमारा ये था, कॉमा 2, 0। क्यों, एग्जैक्ट मैच चाहिए, क्योंकि यहाँ देखोगे मंथ तो कभी 1.5 नहीं हो सकता, 1.3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये Q3, Q4, ये देखोगे तो सारा जुलाई का, इसलिए एक ही जैसा। अब लेट सपोज दैट इसे एक को चेंज कर दे, मानो 1 कर देते इसको, वो भी ये चेंज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 8 भी Q3 है शायद, इसलिए नहीं चेंज हुआ। अब मैं इसको कर देता हूँ जैन कर देता हूँ, जैन करके देखता हूँ, Q1 हो गया, ठीक है। अब करता हूँ मैं Q1 हो गया, अब इसको करता हूँ मैं लेट सपोज जस्ट 12 कर देता हूँ इसको, देखो ये Q4 हो गया। अब सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप क्या होता है, अब यहाँ पे देखोगे हमें क्या करना है, काउंट ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी स्टेशनरी एंड प्रिंटर। तो हम इससे पहले क्या करते थे, इक्वल टू काउंट इफ करेंगे और रेंज ये ले लेंगे, फिर करेंगे क्या स्टेशनरी, यही करेंगे, स्टेशनरी का तो आ गया। अब इसकी अब मुझे करना है प्रिंटर के लिए भी, तो हम क्या करेंगे, एक और प्लस कर देंगे। अब आप कहोगे काउंट इफ्स यूज कर लेते, काउंट इफ्स, बट ए सेम रेंज पे काउंट इफ्स नहीं काम करता, मतलब इसी से डेटा लेना है तो नहीं काम करता। अब सपोज करो यहाँ पे स्टेशनरी होता और यहाँ पे कोई कंट्री का नेम होता तो हम कर सकते थे, बट इसमें अब क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंटर का अलग काउंट निकालना पड़ेगा और स्टेशनरी का अलग काउंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, प्रिंटर का अलग काउंट निकाला, स्टेशनरी का अलग काउंट, तो 11 आ रहा है, ठीक है। विद एरे यानी कि हमने यहाँ पे दो स्टेप यूज करा, यानी पहला काउंट इफ प्लस काउंट इफ। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, सम, फिर करेंगे इफ, इफ। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा मेरा दिस इक्वल टू, मेरा क्या होना चाहिए, स्टेशनरी, ठीक है। अब यहाँ प्लस क्यों करा मैंने, प्लस ही तो होगा, क्योंकि जब भी हम फिल्टर में या कैसे भी डेटा ले एक ही में होता है, प्लस ही यूज करते, एंड क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि एंड तो हो ही नहीं सकता ना। अब करेंगे फिर सेम रेंज ले लेंगे, अब करेंगे इक्वल टू प्रिंटर। अब क्या करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू हो तो मैं हम मैंने कर दिया 1, वैल्यू इफ फॉल्स हो तो मैंने कर दिया 0, तो क्या करो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो देखो तो 11 वैल्यू हो। अब आप कहोगे मैंने 1 के लिए 0 करा, 1 के लिए क्या करा, वहां पे क्या बताया था, माइनस, और यहाँ पे भी मैंने कहा था माइनस, तो ये ऐसे करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि गलत है। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, अलग से सम इफ हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम इफ क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हमें क्या वैल्यू में चाहिए था, 1 और 0, यानी कि जहां पे मैच कर जाए वैल्यू वहां पे 1 आ जाए, जहां पे वैल्यू मैच ना करे वहां पे 0 आ जाए। और फिर सम क्यों यूज करा, सम के अंदर प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस, पहला माइनस आपको बताया मैंने 1 के लिए, दूसरा माइनस 0 के लिए, फिर यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाए, क्यों, क्योंकि हमें दो कंडीशन यूज करनी है, मैंने कर दिया दो कंडीशन यूज यहाँ पर, इक्वल टू मैंने कर दिया स्टेशनरी, ठीक है, प्लस फिर ब्रैकेट, फिर मैंने कर दिया यहाँ पे स्टेशनरी, सॉरी प्रिंटर, ये देखो कंट्रोल से प्रिंटर, ठीक है। तो ये आ गया, ये इस वे से भी कर सकते हो, इस वे से भी कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, आप इफ लगा के करो या माइनस लगा के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऐरे से ये है कि आपने मल्टीपल स्टेप को सिंगल स्टेप में कर दिया, तो अभी के लिए जो मेरा फर्स्ट सीरीज था यहीं तक था, जो कि आपको बेसिक बता रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, अब बेसिक टू मास्टर लेवल तक बताऊंगा, और जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो तब तक आप एरे के मास्टर बन चुके होंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा,
Thank you so much for watching this video. For more video, please subscribe my channel. Bye bye. Take care.